नमस्कार दोस्तों, आपने इंसानों की कुश्ती तो सुनी होगी। इंसानों की कुश्ती के बारे में तो जिक्र आपने सुना होगा और प्राचीन काल से ही हमारे भारत में कुश्ती की परंपरा रही है। चाहे वो महाभारत काल हो, चाहे वो कोई भी ऐसा काल हो जिसमें कुश्ती की परंपरा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सदियों से परंपरा आज भी चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवरों की भी कुश्ती की परंपरा हमारे भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ चलाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में रूबरू कराएंगे, आपको बताएंगे कि इस जगह पर गाय और सूअर की कुश्ती, यहाँ पर गाय और सूअर की कुश्ती की परंपरा है। बाकायदा गाय और सूअर की कुश्ती कराई जाती है। जी हाँ दोस्तों, यम द्वितीया के अवसर पर हमीरपुर के तपोभूमि में सदियों से चली आ रही इस परंपरा में गाय सूअर की कुश्ती का आयोजन किया जाता है और निर्वाहन जोश और उत्साह के साथ किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हर साल सदियों पुरानी परंपरा का साक्षी बना तपोभूमि ग्राउंड गाय और सुअर की लड़ाई में अच्छाई की प्रतीक गाय जीत जाती है और बुराई का प्रतीक सुअर हार जाता है। ये इस मौके पर किया जाता है जब गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया का अवसर होता है। इस मौके पर ये आयोजन किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमीरपुर की तमाम जगहों पर ग्रामीणों ने इस परंपरा का हर्षोल्लास के साथ निर्वाह करते हैं। जिस व्यक्ति की गाय जीतती है उसके मालिक को नगद पुरस्कार दिया जाता है। ग्वालों में मुफ्त दूध का वितरण किया जाता है। लोग ये प्रसाद बड़े चाव से दूध को कतरबद्ध होकर दूध को लेते हैं। अब हम आपको बता दें कि ये परंपरा निभाई क्यों जाती है। स्थानीय लोगों का कहना यह है कि गाय सुअर लड़ाई की परंपरा बाप दादे के ज़माने से चली आ रही है। इसे बुराई पर अच्छाई के विजय के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनके पूर्वज बताते थे कि एक बार सुअर के रूप में एक दैत्य ने पृथ्वी पर यदुवंशियों के ऊपर घोर अत्याचार किया था। भगवान कृष्ण ने गौ का रूप धारण कर अपने खुरों से उसका वध कर दिया। तभी से इसे निभाने की परंपरा आज भी चली आ रही है। इसमें गाय के साथ सुअर की भी पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल कमेंट करना तो भूलिएगा ही मत। देखते रहिए आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत की रिपोर्ट।